महीनों का इंतजार खत्म हुआ। बैतूल जिले की बेटियों के हुनर को एक मंच, उनके सपनों को उड़ान देने के लिए वी कॉमरेड एवं इंस्पिरेशनल एजुकेशन अवेयरनेस एवं वेलफेयर सोसाइटी की टीम ने मिस बैतूल मेरी उड़ान मेरी पहचान प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मंच तैयार किया, जहां बेटियों को अपना हुनर निखारने और अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिलते रहेगा। इसका आगाज सीजन 1 2021 में हो चुका है, जिसमें पूरे जिले भर की बेटियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नीतू दौंडे ग्राम बुरहानपुर भैंसदेही से बनी जिले की पहले मिस बैतूल 2021। रविवार को आयोजित हुआ मिस बैतूल का फिनाले बड़ी ही गर्मजोशी से बेटियों ने इंट्रोडक्शन राउंड, वेस्टर्न एवं हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए ट्रेडिशनल रैंप वॉक राउंड को प्रदर्शित किया, जिसमें विनर रहे मिस नीतू दौंडे, जिसे मिस बैतूल खिताब से नवाजा गया। साथ ही मिस तनुश्री सोनी फर्स्ट रनर अप 2021 एवं सेकंड रनर अप 2021 गायत्री चौधरी को चुना गया। कार्यक्रम के जज मिस इको इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा इजिप्ट में इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे मिस प्रतीक्षा उड़ीसा से एवं मिस इनक्रेडिबल इंडिया रह चुके मिस दुर्गा पान से मौजूद थी। साथ ही अलग अलग कैटेगरी से बेटियों को नवाजा गया। मिस शाइनिंग स्टार 2021 आयशा डिग्रा से मिस कॉन्फिडेंट शिवानी पॉल, मिस सेंसेशनल नैना शिवांकर, मिस परफेक्ट सोनाली हरसुले, मिस डिसरेबले रोशनी देशमुख, मिस स्टाइलिश रितिका पानकर, मिस ग्लैमरस पलक कोल्डे, मिस फैशनेबल शीतल महोविया, मिस ब्यूटीफुल मनीषा साहू, मिस टैलेंटेड नीतू दौंडे रही। जोरदार तालियां दें, तालियां आपका आशीर्वाद स्वरूप होगा बिटिया के लिए। मैं नीतू के सामान्य जीवन का जब तक आपको परिचय करवा दूं, आपका जन्म सन 2003 में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जहां जहां दौड़े जी आदि में रहे, वहां पर प्रारंभिक शिक्षा आपकी संपन्न हुई। अब किताब मिल गया और मैं घर आई। किताब की तो बहुत खुशी थी, लेकिन एक जिम्मेदारी थी सर पर कि आप एक किताब जीतते हो तो आपकी पूरे क्षेत्र के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप उस किताब का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। और वही जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है अपने क्षेत्र में जो ऐसा कभी हुआ नहीं हो, या मेरी जिम्मेदारी सोशली या किसी की मैं हेल्प करूँ या किसी भी तरीके से। मैंने 2 महीने पहले लिया था। सबसे पहले ऑडिशन राउंड हुआ था, उसके बाद फिर ग्रूमिंग सेशन हुआ था और उसमें टैलेंट राउंड भी हुआ था, जिसमें मुझे मिस टैलेंटेड 2021 का किताब भी मिला। उसके बाद फाइनल हुआ था, फाइनल 31 को हुआ था। सबसे पहले टॉप 12 निकली गई थी वहाँ से, उसमें मैं सेलेक्ट हुई। उसके बाद टॉप 5 में हुआ, उसके बाद मिस बैतूल का किताब मिला मुझे। जी, मेरी बड़ी बहन कीर्ति दौंडे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और पूरा बताया कि कैसे कैसे क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है वहाँ पे। और मेरे माता पिता और दादा दादी का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरा पूरा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। गर्व फील हो रहा है
कि मैंने अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया और गांव, तहसील और जिले का भी नाम रोशन किया। जी बिल्कुल, अभी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में परफॉर्म किया है, अब आगे मैं MP मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करूंगी, उसके बाद फिर अगर कोशिश रही तो इंडिया को भी रिप्रेजेंट करूंगी। जी मेरा 11th 12th मैंने RD पब्लिक स्कूल बैतूल से किया था, अभी मैं BCOM विद टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर रही हूँ भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस से। जी मैं समझती हूँ कि लड़की को बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना, और मेरे परिवार में 3 बहनें हैं हम लोग। पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया है कि हम कभी लड़कों से पीछे ना रहे, उन्होंने हमें ऐसी वैल्यूज़ दी है, और आज मैं आगे अपना कदम बढ़ाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि और भी लड़के। टाइमेट के लिए मध्य प्रदेश के भैंसदेही से ब्यूरो रिपोर्ट।